डॉक्टर बुलाओ इसके। नहीं, आप भी आइए, रेस्ट कर लीजिए, थके होंगे। तुम रेस्ट करो, मैं यही हूँ, किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे बता रहा हूँ। जब तुम लोग गए थे तब तो इसकी एकदम ठीक थी, अचानक क्यों बीमार हो गई? दादी वो आज अपना इंसुलिन वाला इंजेक्शन लेना भूल गई इसलिए खराब हो गई। ये सब तू क्यों कर रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? तू उसका पति है, पुत्र कितनी बार कहा है तुझसे, ये सब काम पतियों को नहीं शोभा देते। इश्की को जूस चाहिए तो खुद आके बना ले, इतनी भी बात नहीं है वो। आप जानते हो उसके साथ क्या हुआ? आज अपनी मेडिसिन लेना भूल गई थी वो, चक्कर आ गए थे उसे, इसलिए हम लोग आए हैं। अब आप क्या चाहते हो, ऐसी हालत में वो नीचे आए अपने लिए जूस बनाए? दादी आई नो आप उसे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है, एटलीस्ट थोड़ी सिंपैथी तो दिखा सकते हो ना। तुम दोनों को 100 बार मना किया है, रसोई में लड़कों का कोई काम नहीं होता। दादी सही कह रही है। I'm so sorry. मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था पुत्र। असल में पुत्र, मैंने तुझे किचन में कभी अलाउ नहीं किया ना, तुझे ऐसे काम करते नहीं देखा तो अच्छा नहीं लग रहा है, लड़कों को ये सब नहीं शोभा देता। अब बताओ, तुम सब लोग इतने दिनों के बाद एंजॉय करने गए थे एक साथ, पतिश की तबीयत खराब हो गई और वापस आना पड़ा। हमारे एंजॉयमेंट से ज्यादा ना इश्की की तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो पूरी तरह चोरों का गुलाम बनता जा रहा है।